बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है, 29th जैन शिफ्ट वन का। अ सरफेस टेंशन, देखिए सरफेस टेंशन ऑफ अ सोप बबल इज 2 × 10⁻²⁺ न्यूटन पर मीटर वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ सोप बबल फ्रॉम 3.5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर। ओके, पूछ रहा है कि सोप बबल का अगर टेंशन इतना है तो जब हम रेडियस को 3.5 से 7 करेंगे, मतलब रेडियस को हम जब डबल कर देंगे, ठीक है, तब यहां पर कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता क्या है यहां पर। तो सरफेस टेंशन की बात करें अगर हम लोग, तो सरफेस टेंशन को डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। एंड वर्क डन की बात करें हम लोग, तो वर्क डन क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। ओके, तो सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, तो अगर रेडियस आर है मान लो 3.5 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि अब यहां से इसको इंक्रीज करके, ठीक है, इसको कर दो 2R1, ठीक है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस को जस्ट डबल किया। अब हम सोप बबल की बात करें, तो सोप बबल में क्या होता है कि आउटसाइड में भी यहां पर एयर होता है बबल, तो बबल के अंदर में भी क्या होता है, एयर होता है, तो इनसाइड आउटसाइड दोनों साइड में एयर होता है। और मैं आपको एक चीज समझाऊं यहां पर कि ये जो एरिया लेते हैं ना हम लोग, ठीक है, ये एरिया जो लेते हैं हम लोग, ये एरिया डबल कब होगा, मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि टी इंटू टू डेल्टा ए हम कब लिखेंगे, ठीक है, और डेल्टा ए कब हम लिखेंगे, ये समझिए यहां पर, जब दोनों साइड में एकदम सेम मीडियम होगा, चाहे दोनों साइड में लिक्विड हो चाहे दोनों साइड में एयर हो, ठीक है, उस केस में हम लोगों को डबल एरिया लिखना पड़ता है, ठीक है, ट्वाइस करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए जैसे मैं लिक्विड ड्रॉप की बात करूं, तो लिक्विड ड्रॉप में क्या होगा, इधर में लिक्विड होगा, ओके, तो इधर में क्या होगा, एयर होगा, समझ में आया। या फिर हम अगर बबल की बात करें, तो बबल के केस में क्या होगा कि इधर में एयर होगा तो इधर में लिक्विड होगा, ठीक है, तो दोनों साइड में डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, जब डिफरेंट मीडियम होता है तो एक यूज करते हैं सरफेस एरिया, ठीक है, जब दोनों साइड में सेम मीडियम होगा तो हम डबल यूज करते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने यूज किया है। तो यहां पर क्या है, सोप बबल है, एंड सोप बबल में दोनों साइड में एयर होता है। ओके, तो अब यहां पर हम लिखेंगे क्या, देखिए कि वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, दैट इज कितना दिया हुआ, 2 × 10⁻²। तो 2 × 10⁻², एंड ये जो एरिया है, एरिया ध्यान रखिएगा कि 4πr² होता है सो बबल का या फिर लिक्विड ड्रॉप का, क्योंकि स्फेरिकल फॉर्म में होता है और स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4πr², ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला, क्योंकि डबल सरफेस लेना पड़ेगा, दोनों साइड में सेम है, अंदर में भी और बाहर में भी मीडियम, तो 2 एरिया लिखेंगे आप 4πr²-4πr1². ओके, तो 2 × 10⁻², ठीक है, इंटू 8π कर दो, और ये r2 कितना है, तो r2 जस्ट 2, मतलब R1 है, डबल है R1 का, ठीक है ना, R1 का डबल है। ओके, एक सेकेंड, तो अब यहां से हम लिखेंगे कि ये 2 × 8 16, तो 16π × 10⁻², और ये हो जाएगा 4R1² - R1² दैट इज 3R1² 3R1² तो 48π × 10⁻², ठीक है ना, 48π × 10⁻², इंटू R1², बट R1 है कितना, R1 है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और इसका स्क्वेयरिंग कर दो। तो आप जब इसको मीटर में कन्वर्ट करके इसका हम स्क्वेयरिंग करेंगे, है ना, तो आप देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, ये 10⁻², एक बार यहां लिख देता हूं मैं, 48 × π का वैल्यू 3.14 रखिए, ठीक, इंटू 3.55, तो 3.55 का क्या स्क्वेयरिंग होगा, 3.55 का स्क्वेयरिंग होता है 12.25 इंटू 10⁻². अब देखो यहाँ -2 है और ये -4 आएगा, तो -6 हो जाएगा। तो आप एक बार सबको मल्टीप्लाई कर दें, 3.14 इंटू 12.25 इंटू 48, तो ये आएगा 1846.32 × 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा 1.846 × 10⁻³,
जूल, ठीक है, मतलब अप्रोक्स में लिखे अगर हम लोग तो 1.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल, मतलब मिली जूल। अब देखते हैं ऑप्शन एक बार, उसके बाद और डिसाइड करेंगे। तो 1.84 है ना, तो ये माइनस 10 टू द पावर माइनस 3 में नहीं है, 10 टू द पावर माइनस 4 के ऑप्शन में है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये जो है ना ये वाला, इसको लिखिए इसी वहीं से, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप लिखिए यहां से 18.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, है ना, इवन इसकी भी जरूरत यहां पर नहीं है, ठीक है। तो यहां से देखिए इसका दो जब पावर हटाएंगे, 10 टू द पावर माइनस 4 करेंगे, तो यहां पर 10 टू क्या आ जाएगा, 18.46 आ जाएगा। तो इतना जूल यहां पर इसका एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया वर्क डन, ओके। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर।